नोटबंदी के बाद भारत में जहां नकदी की कमी है तो वहीं स्वीडन को कचरे की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि इस देश को दूसरे देशों से कूड़ा आयात करना पड़ रहा है। अक्सर लोग कूड़े कचरे को बाहर फेंकना बेहतर समझते हैं, लेकिन स्वीडन एक ऐसा देश है जहां इन दिनों कूड़े की भारी कमी के चलते 8 देशों से कचरा आयात कराया जा रहा है। स्वीडन आधे से ज्यादा बिजली नवीनीकरण पदार्थों से पैदा करता है। ऐसे में अगर स्वीडन कूड़े का आयात नहीं करता तो वहां के कई रिसाइकलिंग प्लांट बंद हो जाएंगे। दरअसल स्वीडन में नेशनल रिसाइकलिंग पॉलिसी लागू है, इसके चलते निजी कंपनियां भी कूड़े से आयात और उसे जलाने का काम खुद करती हैं। इससे पैदा हुई ऊर्जा नेशनल हीटिंग नेटवर्क में चली जाती है और सर्दी में इसका उपयोग घरों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि स्वीडन का रिसाइकलिंग तंत्र इतना ज्यादा सक्षम है कि पिछले साल वहां के घरों से निकलने वाले 1% से कम कचरे को जमीन में दबाने की जरूरत पड़ी थी। बहरहाल रिसाइकलिंग एसोसिएशन के अधिकारी की माने तो कई साल पहले संस्थान ने लोगों को इस बात को लेकर प्रेरित किया था कि वे ऐसी चीजों को कतई बाहर न फेंके जो रिसाइकल या रीयूज हो सके, जिसके बाद लोग ऐसे जागरूक हुए कि कूड़ा न के बराबर निकलने लगा। एक तरफ स्वीडन का रिसाइकलिंग प्लांट जिसे चलाने के लिए दूसरे देशों से कूड़ा लिया जा रहा है, तो वहीं भारत में कूड़े की ऐसी भरमार है जिससे सही तरीके से रिसाइकल किया ही नहीं जाता है। देखते रहिए डीवी लाइव।